है कानूनी जंग न्यूज़। कानूनी जंग न्यूज़ से मैं आलोक रंजन, आज हमारी कानूनी जंग न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है बेस्ट चंपारण के बघा प्रखंड में और बघा प्रखंड के सिसवा बसंतपुर पंचायत में। यहां के मुखिया प्रतिनिधि से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे हम बात करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय दें जी। ग्राम पंचायत राज सिसवा बसंतपुर के मैं मुखिया प्रतिनिधि अभिनंदन कुमार। मैं मुखिया प्रतिनिधि जी, आपके पंचायत में अभी तक कौन कौन सा कार्य हुआ है और कौन सा कार्य आप चाह रहे हैं कि सरकार से आप डिमांड कर रहे हैं? मैं अभी तक तो एक चबूतरा और एक कुआं मरम्मती करवाएं और एक नाला रिपेयर नाला बनवाए हुए हैं और हम रोड और नाला और बनवाना चाहते हैं और यहाँ पर जो शौचालय है शौचालय भी बनवाना चाहते हैं। पंचायत की मुख्य समस्या क्या है? पंचायत की मुख्य समस्या ये है कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत नाला का ही है और उसके अलावा रोड का भी यहाँ दिक्कत ही है, उसके अलावा यहाँ पे शौचालय का भी दिक्कत है, उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना कितना मिल जाएगा आपके पंचायत में जिससे कि सभी का पक्का का मकान हो जाएगा, कितना प्रतिशत? यहाँ पर लमसम आवास लमसम 65% और मिलेगा तब यहाँ पूर्ण रूप से लोगों का घर वंचित रहेगा, तभी जा करके पूरा हो पाएगा और नाली के निकासी की पानी की निकासी की व्यवस्था है आपके पंचायत में? नहीं, नाली की निकासी की व्यवस्था तो हम करना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुकावट कुछ पब्लिक लोग में रुकावट है, लेकिन हम तो तैयार हैं उस रुकावट को झेलने के लिए, लेकिन हमारे हमको साथ देने के लिए प्रशासन साथ देगी, हम पूर्ण रूप से नाला को आगे की तरफ निकासी की व्यवस्था कराएंगे। और शौचालय की व्यवस्था पूर्ण रूपेण अपने पंचायत में हो चुकी है या नहीं? नहीं, शौचालय की व्यवस्था पूर्ण रूप से तो नहीं हुई है लेकिन हम बेहतर कोशिश करेंगे कि घर घर शौचालय की व्यवस्था हो जानी चाहिए। यानी अभी बहुत सारे लोग बाकी है। अभी तो बहुत सारे जनसंख्या बाकी है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ किसानों को लाभ मिल रहा है? नहीं, लाभ तो मिल रहा है, किसान लोगों को लाभ मिलता है। और भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ चाहते हैं सरकार तक बात पहुँचानी तो आप बता सकते हैं? हाँ जरूर, जब भी हम संपर्क कर सकते हैं आपसे। जी जी जी, देखते रहे कानूनी जंग न्यूज़। ये मुखिया प्रतिनिधि, इनसे हम आपकी मुलाकात करवाएं। धन्यवाद।